रायपुर से बड़ी खबर, गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी राज्य सरकार। 20 जुलाई से रायपुर के 3 गौठानों में शुरुआत होने जा रही है। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी। गौमूत्र से फर्टिलाइजर और अन्य उत्पाद बनाए जाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गौमूत्र से फर्टिलाइजर और अन्य उत्पाद बनाए जाएंगे। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदने जा रही राज्य सरकार, क्या कुछ इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने पहले ही ये संकेत दिए थे कि गोबर खरीदी के बाद जो है गौमूत्र की खरीदी की जाएगी और उसको लेकर एक पूरा खाका भी जो है तैयार कर लिया गया है। और रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो रायपुर जिले के 3 गौठानों से हो रही है और 20 जुलाई से जो है गौमूत्र खरीदी की जाएगी। और अभी जो इसकी दर निर्धारित की गई है वो 4 रुपए प्रति लीटर की दर जो है गौमूत्र खरीदी के लिए निर्धारित की गई है। और इस संदर्भ में रायपुर कलेक्टर ने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। जो गौठान है वहां पर किस तरीके से गौमूत्र खरीदा जाएगा, किस तरह से उसका स्टोरेज किया जाएगा और स्टोरेज करने के बाद जो उसके गौमूत्र से जो कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, खासतौर पर जो फर्टिलाइजर है उसका जो है उत्पादन किया जाना है। तो ये सारी जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है इसकी तैयार कर ली गई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कई बार ये बातें भी कही थी कि जल्द से जल्द जो है खरीदी जो है वो शुरू की जाएगी। तो इस संदर्भ में रायपुर ऐसा पहला जिला होगा छत्तीसगढ़ का जहां पर 20 जुलाई से जो है गौमूत्र खरीदा जाएगा। तो इसकी दर जो है वो 4 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। और रायपुर जिले में अगर जो है खरीदी अगर जो है सही तरीके से होती है तो इसको अन्य जिलों में भी जल्द से जल्द इसको लागू किया जाएगा। देश का पहला राज्य ऐसा है छत्तीसगढ़ जहां पर गोबर की खरीदी होती है और गोबर की सफलता के बाद अब जो है वो मूत्र खरीदने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। उत्पाद जो है वो बनाए जाएंगे, फर्टिलाइजर जो है वो बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए।